Hello everyone, welcome to Mathmetry by Vivek B. Mishra. Students, हम पढ़ रहे हैं chapter 2 polynomial, जिसमें हम लोग ने अभी तक exercise 2.1 और 2.2 cover कर लिया है. हमने zeros के बारे में पता कर लिया है, हमें concept of coefficients and its relation with zeros भी पता है. चलिए अब हम exercise 2.3 solve करेंगे, जिसमें हम division of polynomials पढ़ेंगे. तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आइए वो कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं डिवीजन की, तो अगर मैं एक नंबर ले लूं 6 और उसको डिवाइड करा दूं 2 से, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 मुझे कोशेंट आएगा 3, 2 3 जा 6 माइनस 0. ये तो बहुत ही बेसिक बात होगी. अब इसमें ये क्या है, 2 2 को मैं कहूंगा डिवाइजर, 6 को मैं कहूंगा डिविडेंड, और 3 को मैं कहूंगा कोशेंट, और जो ये 0 मुझे आया है उसे मैं कहूंगा रिमाइंडर. सो ये तो बहुत ही बेसिक बातें हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है. हमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, मतलब आपको एक एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, सपोज वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन जैसा कुछ एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, और एक जी ऑफ एक्स दिया रहेगा जिसमें मे बी एक्स प्लस वन होगा. आपको एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से. तो ये डिवीजन कब पॉसिबल है, ओनली वेन डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स. अब डिग्री मतलब क्या है, डिग्री मतलब हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स. तो अगर मैं इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की बात करूं, तो इसमें डिग्री है 2 और जी ऑफ एक्स में डिग्री है 1, तो इनका डिवीजन पॉसिबल है, डिवीजन इज पॉसिबल. ये एक बात हो गई कि जब मैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करता रहूंगा तो डिवीजन कब किया जा सकता है. तो डिवीजन तभी किया जा सकता है जब आपका एफ ऑफ एक्स का डिग्री ज्यादा रहेगा जी ऑफ एक्स से, पॉइंट नंबर 1. अब आपने डिवीजन तो कर लिया, अब आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपका डिवीजन करेक्ट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हम यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो आपको ये थ्योरम भी याद रखना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि पॉलिनोमियल का डिवीजन करने के बाद आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगा के वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपका डिवीजन करेक्ट हुआ है या रॉन्ग. तो क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यानी कि जब भी डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके अगर मैं उसमें रिमाइंडर ऐड करूं, तो मुझे जो इक्वेशन आएगा वो डिविडेंड के बराबर होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तब आपका डिवीजन करेक्ट है, अदरवाइज आपने डिवीजन में कोई ना कोई गलती की हुई है. तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जिसको आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. चलिए स्टूडेंट्स, इस दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं कि डिवीजन कब पॉसिबल है, जब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिविडेंड जब ग्रेटर होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर से, तब हमारा डिवीजन, देन डिवीजन इज ऑफ पॉलिनोमियल इज पॉसिबल. सो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिए और इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट डिग्री ऑफ डिविडेंड शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, और उसके बाद जब आप डिवीजन कर लेंगे तो उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करके आपको
वेरीफाई करना है कि आपने डिवीजन परफेक्ट किया है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो चैप्टर टू पॉलिनोमियल एनसीईआरटी ग्रेड 10 डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल और हमारा एक्सरसाइज है 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, मतलब मुझे पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से, एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद मुझे कोशेंट क्यू निकालना है और रिमाइंडर आर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी ऑफ एक्स आपका क्या है, पी ऑफ एक्स है डिविडेंड और जी ऑफ एक्स जो है वो है डिवाइजर, और डिग्री ऑफ, ये डिग्री है डिविडेंड की और ये टू जो है डिग्री है डिवाइजर की। तो डिग्री ऑफ डिविडेंड ग्रेटर है डिग्री ऑफ डिवाइजर से। पी ऑफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड, जो ऊपर रहता है न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में रहता है उसे हम डिवाइजर बोलेंगे। तो डिग्री ऑफ डिविडेंड 3 है, डिग्री ऑफ डिविडेंड 3 है और डिग्री ऑफ डिवाइजर 2 है, तो ऑब्वियसली 3 ग्रेटर देन 2 है, तो डिवीजन इज पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो जी ऑफ एक्स डिवाइड करेगा पी ऑफ एक्स को, तो उसके लिए मैं इसको लिख दूंगा, जी ऑफ एक्स को इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और पी ऑफ एक्स को यहां लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब आप डिवीजन सबसे पहला स्टेप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप जो यहां पहला जो टर्म है, ये जो पहला टर्म है इसको आप इधर के पहले टर्म से डिवाइड करिए, माने कि डिवाइजर का जो पहला टर्म है दैट विल डिवाइड डिविडेंड का पहला टर्म। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा एक्स, जिसको आप यहां क्वेश्चन में लिख दीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स क्यूब को जो यहाँ पे पहला टर्म था उसको इधर के पहले टर्म से डिवाइड किया, यानी कि डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड किया। इससे जो मुझे नंबर मिला, जो भी वेरिएबल मिला, उसको मैंने कोशेंट में लिख दिया। ये मेरा कोशेंट रहेगा, हर बार कोशेंट रहेगा। अब ये कोशेंट इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना है दोनों से भी, इन दोनों से भी एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा x क्यूब और x इंटू टू एक्स आ जाएगा। अब यहां पे x इंटू टू एक्स आ जाएगा, x इंटू टू आ जाएगा माइनस 2x, तो वो माइनस 2x मुझे ये 5x के नीचे लिखना है, मतलब सेम पावर वालों को एक एक के नीचे एक लिखना है, तो माइनस 2x इधर आ जाएगा। तो इधर इसके नीचे क्या लिखें, आप जीरो लिख दीजिए वहां पर, तो x क्यूब प्लस 0 माइनस 2x, 3 के नीचे कुछ नहीं आएगा। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो अगर मेरे पास नंबर है x प्लस वाई और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 2x प्लस वाई को, तो ये माइनस ऑब्वियसली अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस 2x और माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस वाई। कहने का मतलब जब आप सब्ट्रैक करते रहते हैं तो जो दूसरा टर्म होता है, जो ये दूसरा टर्म है, उसके सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो इस बात को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप सब्ट्रैक करेंगे जब भी डिविजन करते हैं, हम उसके बाद सब्ट्रैक करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द रिमाइंडर। तो जब आप सब्ट्रैक करेंगे तो ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, जिस वजह से सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो प्लस है, जब ये माइनस यहाँ पे माइनस है, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो ये प्लस एक्स स्क्वायर है वो हो जाएगा माइनस, ये जीरो का साइन चेंज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो ये अब हमारी न्यू साइन है। अब इस साइन को आप भूल जाइए, ये जो पहले वाली साइन थी वो बदल चुकी है, वो जा चुकी है। चलिए अब सब ट्राई करेंगे, तो 1x क्यूब माइनस 1x क्यूब जीरो आ जाएगा, कट गया दोनों। उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस जीरो, मतलब अगर आप जीरो में कोई नंबर ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर आ जाएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया। इसके बाद
प्लस 5x प्लस 2x, ये माइनस आप भूल जाइए, अब ये प्लस हो चुका है, तो प्लस 5x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 7x, इसके बाद आप ऊपर से माइनस 3 कॉपी कर लीजिए। तो अब यहां तक आप आ चुके हैं, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिर जैसा आपने पहले में किया था कि इधर का जो पहला टर्म है और यहां का जो पहला टर्म है उसको फिर से डिवाइड करिए, तो पहला टर्म इधर क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, सो माइनस 3x स्क्वायर विल डिवाइड x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट जाएगा, आपको मिलेगा माइनस 3, जो कि आपका कोशेंट है, इसे आप लिख दीजिए माइनस 3 को। अब ये माइनस 3 यहां पे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3 जो है अभी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3 जो है माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 आ जाएगा प्लस 6, तो सिर्फ नंबर आया है प्लस 6 आया है, तो नंबर को मैं नंबर के नीचे लिखूंगा प्लस 6, तो इस 7x के नीचे क्या लिखें, आप प्लस 0 लिख दीजिए, जो टर्म का हमें वैल्यू नहीं मिल रहा उसके नीचे हम प्लस 0 लिखते हैं। अब फिर से सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी माइनस हम करते हैं तो दूसरा जो टर्म रहता है, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो जो दूसरा टर्म है उसके सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, जीरो का साइन मत चेंज करिए आप, क्योंकि प्लस जीरो माइनस जीरो उससे फर्क नहीं पड़ता, और ये प्लस 6 हो जाएगा माइनस 6। अब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 0 आ जाएगा 7x, और माइनस 3 माइनस 6, माइनस माइनस हम प्लस करते हैं तो हो जाएगा माइनस 9। अब हमारे पास ये 7x माइनस 9 आ चुका है और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 है। अब हम डिवीजन कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जरा सोचिए, ये जो हमारा टर्म है 7x माइनस 9, इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, तो वेरिएबल x है उसकी डिग्री 1 है, और यहां पे डिग्री क्या है, जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 2 है, तो ऑब्वियसली डिवाइजर की डिग्री जो है अभी नेक्स्ट जो डिवीजन करने वाले हैं उस डिविडेंड से ज्यादा है, तो डिवीजन अभी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो अभी ये जो डिवीजन अगर यहां पे स्टॉप हो गया तो ये जो टर्म मुझे मिला ये क्या है, रिमाइंडर है, सो देयरफॉर रिमाइंडर, तो इसको हम लिख देंगे डिग्री ऑफ 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन डिग्री ऑफ, क्योंकि इसकी डिग्री जो है 7x माइनस 9 की लेस हो चुकी है x स्क्वायर माइनस 2 से, सो डिवीजन विल स्टॉप हियर। अब डिवीजन स्टॉप हो गया तो कोशेंट और रिमाइंडर आप लिख लीजिए, कोशेंट क्या आ जाएगा, कोशेंट आ जाएगा 3x माइनस 3 और रिमाइंडर आ जाएगा 7x माइनस 9। अब ये सारी चीजें तो आ गई, अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें डिविडेंड कितना है हमारे पास, तो डिविडेंड मतलब पी ऑफ एक्स है, मतलब जो हमारे यहां पे दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो मैं डिविडेंड लिख लूंगा, इसको हम स्टेटमेंट 1 बोल देंगे। ये मेरा LHS है, RHS ले लेते हैं, RHS में क्या है, RHS में डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर है, तो डिवाइजर अपने पास कितना था, डिवाइजर था x स्क्वायर माइनस 2, क्वोशेंट कितना आया, क्वोशेंट आया x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 7x माइनस 9। चलिए अब यहां पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और ये प्लस है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर जाएगा एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद माइनस 2 जाएगा एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक बार ये जाके मल्टीप्लाई होगा और एक बार 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7x माइनस 9 विल रिमेन एज इट इज,
Now we'll multiply this x square inside this bracket. So x square into x will become x cube, and x square into minus 3 will become minus 3x. X square into minus 3 will be minus 3x square. Now this minus 2 will multiply in this bracket. So minus 2 into x will become minus 2x, and minus into minus plus, and 3 2s are 6. And then I'll open this bracket. So we'll have plus 7x minus 9. After this, we have x cube minus 3x square and minus 2x plus 7x. They are the like terms, so they will get added. So minus 2x plus 7x. Minus plus is minus. 7x में से 2x चला जाएगा, हमें मिलेगा plus 5x. बड़े नंबर का साइन यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे. तो बड़ा नंबर यहाँ पे 7x है और उसका साइन है plus. तो बड़े नंबर का साइन मैंने plus लिख दिया. इसके बाद that 6 minus 9 will become minus 3. तो again the bigger number was 9, so its sign is minus, so I copied minus. Divisor into quotient plus remainder. So this is point number 2. If I observe point number 1 and point number 2, I can see that LHS is equal to RHS, because divisor is also same, and now dividend is also same, and divisor into quotient plus remainder also we got the same equation. So from 1 and 2, LHS is equal to RHS, and this also means that our division is correct. So I hope students, aapko pehla question samajh mein aaya hoga. If there is any doubt, please ask in the comment section. Chaliye, second question pe chalte hain. So exercise 2.3 ka question 1 ka second question. Question kuch is tarah se hai. P of x diya hua hai hame x cube minus 3x square plus 4x plus 5, aur g of x hame diya gaya hai x square minus x plus 1. Actually, वहाँ पे textbook में आपको दिया गया है x square plus 1 minus x. आप minus x पहले लिख के plus 1 बाद में लिख दीजिए. अब मुझे क्या करना है? मुझे p of x को divide करना है g of x से. तो चलिए start करेंगे. So let us students start with the division. So I'll write x square minus x plus 1. Now if you observe this p of x, we have x raised to 4. लेकिन इसमें नेक्स्ट जो टर्म है वो x स्क्वायर है, जिसका मतलब है x क्यूब वाला टर्म यहाँ पे मिसिंग है. तो मैं इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखूंगा. सो x रेस टू 4, क्योंकि x क्यूब वाला टर्म नहीं है, तो मैं 0 x क्यूब लिखूंगा माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 5. तो जैसे अगर कोई टर्म मिसिंग रहेगा, मतलब अगर इक्वेशन अपना x रेस टू 4 से स्टार्ट हुआ है और अगला टर्म x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली x क्यूब वाला टर्म उसमें मिसिंग है, तो आप वहां पे 0 x क्यूब करके लिखेंगे. ये तरीका है इसको लिखने का. अब चलिए, ये तो हो गया. अब मैं इस पहले टर्म को x रेस टू 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा. x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, मुझे मिलेगा x स्क्वायर. ये मेरा कोशेंट क्यूब हो गया. x स्क्वायर को मैं यहां लिख दूंगा. अब ये x स्क्वायर जाएगा इधर, तीनों भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर क्या आ जाएगा, x रेस टू 4 आ जाएगा. x square into minus x क्या आ जाएगा, minus x cube आ जाएगा. इसीलिए मैंने कहा था आप 0 x cube लिखिए, क्योंकि x cube वाला टर्म आ सकता है. तो देखिए अभी आ गया, तो उसे हम अगर यहाँ पे 0 x cube नहीं लिखते, तो फिर ये x cube किसके नीचे लिखते, जो अभी आया हुआ है. इसलिए आप प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखिए. अगर कोई पावर वाला टर्म मिसिंग है, तो आप वहां पे 0 x cube लिख दीजिए या 0 x square लिख दीजिए अगर x square मिसिंग है. चलिए, तो x square जो है x square से मल्टीप्लाई हुआ, x raised to 4 आया. x square जो है माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस x cube आया. x square इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ x square आएगा, और वो भी प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है और ये भी प्लस. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब आपको सब्ट्रैक्शन करना रहेगा, तो सपोज अगर आप x plus y में से 2x plus y सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा माइनस 2x minus y. तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरा टर्म है, उसके सभी टर्म्स की साइन चेंज हो गई. जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया. तो यहां भी हम साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें डिवीजन के बाद सब्ट्रैक्शन करना होता है. तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस. तो ये अब हमारा न्यू साइन है,
आप ये पुराने साइन को भूल जाइए, अब इसको कोई मतलब नहीं है, इसमें वो चेंज हो चुका है. ओके, सो x रेज टू 4 एंड x रेज टू 4 विल सबट्रैक्ट ईच अदर, x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 4 वहीं कैंसिल हो जाएगा. 0x क्यूब प्लस x क्यूब, तो 0 में अगर आप कोई चीज ऐड करते हैं तो सेम वही जो नंबर आपने ऐड किया वही नंबर आ जाएगा, तो 0x क्यूब प्लस x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है और बड़े नंबर का साइन, तो माइनस आ जाएगा. सो पहले आप साइन लिखिए कभी भी, सो माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर. इसके बाद आप बचे हुए टर्म्स को कॉपी कर लीजिए, सो 4x प्लस 5 विल बी कॉपीड एज इट इज. सो स्टूडेंट, अब यहां तक एक डिवीजन हो गया, अब नेक्स्ट डिवीजन करना है, क्योंकि अभी भी यहां पे जो x का पावर है वो 3 है और यहां पे x का पावर 2 है, तो डिवीजन पॉसिबल है अभी भी. जब तक यहां पे डिवीजन का, यहां पे जो भी डिवाइजर है उसका पावर जब तक कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिविडेंड, हम डिवीजन करते रहेंगे. तो डिवाइजर का पावर जब तक भी लेस रहेगा डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा. तो चलिए फिर से, एक्स स्क्वायर डिवाइड करेगा एक्स क्यूब को, सो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर ने डिवाइड किया, हमें मिला एक्स, ये मेरा क्वोशेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स. सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू वन आ जाएगा प्लस एक्स. अब फिर से साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस. तो जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस. अब इसके बाद प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब वन है, तो माइनस फोर प्लस वन क्या होता है माइनस थ्री, और एक्स स्क्वायर को एज इट इज कॉपी कर लेंगे. प्लस फोर एक्स माइनस वन एक्स, तो प्लस फोर माइनस वन कर लीजिए पहले, प्लस फोर मतलब फोर में से वन ले लिया मैंने, ऑब्वियसली थ्री बचेगा, लेकिन बिगर नंबर का साइन आना चाहिए पहले, थ्री और फिर वेरिएबल एज इट इज कॉपी कर लीजिए, एक्स है तो एक्स कॉपी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉपी कर लीजिएगा. इसके बाद आप फाइव लिख देंगे. अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो अभी भी डिविजन पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी इसकी डिग्री, आई मीन डिवाइजर की डिग्री इस डिविडेंड के बराबर है, लेस या लेस तो नहीं हुई है, आई मीन ग्रेटर तो नहीं हुई है, डिवीजन पॉसिबल है. सो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर ये डिग्रीज इक्वल भी रहेंगी तो भी डिवीजन किया जा सकता है. सो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आएगा माइनस थ्री, आप माइनस थ्री लिख दीजिए, ये आपका क्वोशेंट रहेगा. अब माइनस थ्री आएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होएगा, सो माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर विल बी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स. तो पहले आप साइन लिखिए, माइनस थ्री इंटू माइनस मतलब माइनस माइनस, सबसे पहले आप प्लस लिख दीजिए, और थ्री इंटू एक्स क्या हो जाएगा थ्री एक्स. उसके बाद माइनस थ्री इंटू प्लस वन, तो आ जाएगा माइनस थ्री. अब फिर से सब्ट्रैक्ट करना है तो सब साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कट जाएगा. अब फाइव प्लस थ्री क्या हो जाएगा, फाइव प्लस थ्री हो जाएगा एट. अब यहां पे जो डिवाइजर है उसकी डिग्री टू है, और जो यहां पे अभी हमें जो टर्म मिला है इसे अगर मैं फिलहाल डिविडेंड बोलूं तो इसकी डिग्री क्या है, इसके साथ तो कोई एक्स है ही नहीं, तो मतलब एक्स की डिग्री क्या है जीरो है, तो ऑब्वियसली डिवाइजर की डिग्री अब ज्यादा हो चुकी है एज कंपेयर टू दिस. तो जब डिवाइजर की डिग्री ज्यादा हो जाएगी तो डिविजन स्टॉप हो जाएगा, मतलब हमेशा डिवाइजर की डिग्री लेस होनी चाहिए डिविडेंड से, तभी डिविजन पॉसिबल है. सो मैं लिख दूंगा डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन टू टू इज लेस देन डिग्री ऑफ एट इक्वल टू जीरो, जिसकी डिग्री जीरो है. देयरफॉर कोशेंट मिल गया मुझे, डिवीजन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. तो कोशेंट कितना आया है, कोशेंट आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री.
और रिमाइंडर आया है 8। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन, रिमाइंडर, ये सब आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वेरीफाई करना है। सो बाय जो हमारा वेरिफिकेशन वाला थ्योरम है, नाउ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। पहले डिविडेंड लिख लेते हैं। डिविडेंड हमें क्वेश्चन में दिया था, ये हमारा डिविडेंड है जो पी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ एक्स है वो हमारा डिविडेंड है और जी ऑफ एक्स हमारा डिवाइजर है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो डिविडेंड आप लिख लीजिए। तो डिविडेंड क्या है हमारे पास, डिविडेंड है एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। इसको मैं LHS बोल देता हूँ और इसको पॉइंट नंबर वन बोल देता हूँ। अब RHS ले लेंगे। RHS में क्या है, RHS में है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर हमारा क्या था, डिवाइजर था जी ऑफ एक्स, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्वेश्चन कितना मिला, क्वेश्चन मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और रिमाइंडर मिला एट। चलिए ब्रैकेट ओपनिंग कर लेंगे। अब ये एक एक टर्म जाएगा और इस दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर जाएगा अपने साइन के साथ, इसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर जाएगा, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद माइनस जाएगा माइनस एक्स, फिर प्लस वन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और प्लस एट विल रिमेन एज इट इज। चलिए वन बाय वन एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स रेस टू फोर, दिस इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में होके हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विल बी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स विल बी माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पे वही है, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर उसके बाद एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर उसके बाद इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अब माइनस एक्स जो है माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले आप साइन मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स इंटू थ्री क्या हो जाएगा थ्री एक्स। उसके बाद जो है ये वन जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होने, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्लस वन है, तो एज इट इज कॉपी कर लीजिए प्लस एट। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जो सेम पावर वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लीजिए। तो सेम पावर वाले टर्म्स एक साथ आ जाएंगे, तो एक्स रेस टू फोर एज इट इज रहेगा प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब को मैंने साथ में ले लिया, फिर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को साथ में ले लिया। तो x देखिए ये खत्म हो गया, इसको मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया और मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कलेक्ट कर लिया। अब बचा है प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमें मिलेगा एक्स रेस टू फोर एज इट इज रहेगा, उसके बाद प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर एक्स माइनस थ्री। ये पॉइंट नंबर टू हो गया। तो अगर आप LHS और RHS को ऑब्जर्व करें तो ये आपका LHS है, एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। तो माइनस थ्री प्लस एट है, जो कि हो जाएगा माइनस थ्री प्लस एट हो जाएगा प्लस फाइव। अब अगर आप इक्वेशन वन इक्वेशन टू को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव है और एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो दोनों भी सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड क्वेश्चन। हमें पी ऑफ एक्स दिया है एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और जी ऑफ एक्स दिया है टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डिग्री दी हुई है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है पी ऑफ एक्स की, वो फोर है।
तो एज एक्सपेक्टेड अगला टर्म एक्स क्यूब होना चाहिए था, उसके बाद का टर्म एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, फिर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, लेकिन वो सभी दो टर्म्स मिसिंग है इसमें। तो हम इसको पहले ऑर्डर में लिख लेंगे एज पर देयर डिग्री, एज पर देयर पावर। सो एक्स रेस टू फोर, अब एक्स क्यूब तो नहीं है तो मैं उसको क्या लिख लूंगा, जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये पी ऑफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद जी ऑफ एक्स लिख लेंगे, इसको भी आप अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है तो क्या जीरो एक्स लिखें? तो नहीं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका जो डिवाइजर है उसमें जैसे भी दिया गया है आप उसको उसी डिग्री में रहने दीजिए। मतलब अगर कोई डिग्री वाला टर्म, कोई पावर वाला टर्म मिसिंग है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स मिसिंग है इसमें, अगला टर्म एक्स एक्सपेक्टेड था, पर अगर नहीं है तो आप उसको जीरो एक्स मत लिखिए, डिवाइजर को एज इट इज रहने दीजिए। लेकिन डिविडेंड में आपको जीरो एक्स क्यूब और जीरो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स आ जाएंगे जब मैं डिवाइड करूंगा तब, तो पहले से अगर आप लिख के रखेंगे तो वो बेटर रहता है सॉल्विंग के लिए। चलिए डिविजन स्टार्ट करते हैं। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स रेस टू फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो अब ये पहला जो टर्म है यहाँ का, इस पहले टर्म को डिवाइड करेगा, तो एक्स रेस टू फोर डिवाइड करेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को, तो जिससे मुझे मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और एक्स रेस टू फोर एक्स स्क्वायर कट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर ही मैं लिखूंगा, ये मेरा क्वोशेंट है। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा वन बाय वन, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप प्लस तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख दीजिए एक्स रेस टू फोर। उसके बाद माइनस इंटू प्लस दूसरे से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, और x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, तो मैं उसको एक्स स्क्वायर के नीचे लिखूंगा, तो यहां मुझे कोई टर्म नहीं मिला तो मैं प्लस जीरो लिख दूंगा। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड टर्म की साइन हमेशा चेंज हो जाती है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है इस वजह से, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, जीरो की साइन नहीं चेंज करें, एज इट इज रहने दें, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। माइनस टू एक्स स्क्वायर को आप प्लस टू एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस फाइव एक्स को प्लस फाइव एक्स, और ये जो है माइनस सिक्स, यानी कि जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब प्लस एक्स रेस टू फोर और माइनस एक्स रेस टू फोर कैंसिल हो जाएगा, जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो, मतलब जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही होता है, तो नहीं लिखे उसको, प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, माइनस जा चुका है वो प्लस बन चुका है, तो प्लस जीरो प्लस टू आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर लें। इसके बाद माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स कैंसिल हो जाएगा, और प्लस सिक्स माइनस सिक्स भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू है और यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है, तो जो ये आपका डिवाइजर है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है टू, और यहाँ पे जो फिलहाल डिविडेंड है उसकी भी डिग्री टू, तो फिलहाल दोनों की डिग्री सेम है, तो जब तक डिग्री सेम रहेगा डिविजन कंटिन्यू होता रहेगा, तो मतलब डिविजन इक्वल टू डिग्री रहने पे भी किया जा सकता है। तो एज इट इज हम जानते हैं कि ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको डिवाइड करेगा, तब हमें क्वोशेंट मिल जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस, सबसे पहले माइनस हो जाएगा और एक्स एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो खाली माइनस टू बचा, ये क्या है, ये कोशेंट है, तो मैं माइनस टू को लिख दूंगा, माइनस टू इंटू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस टू इंटू माइनस इंटू माइनस मैंने प्लस लिख दिया, और टू इंटू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर हो गया, इसके बाद ये जाएगा टू से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और टू टू जा और हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर कोई टर्म नहीं है तो आप जीरो लिख दीजिए, वैसे भी सिक्स माइनस सिक्स जीरो आता ही है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा,
जीरो प्लस फोर, फोर आ गया। अब डिग्री यहां पे टू है और यहां पे डिग्री एक्स है ही नहीं, तो मतलब डिग्री जीरो है, तो यहीं पे डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। सो डिग्री ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, डिग्री मतलब ये पावर होता है। कुछ लोग को लगता है कि वो ये जो कोएफिशिएंट है वो होता है, नहीं, पावर जो है वो डिग्री है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो डिग्री ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज वॉट, टू, विच इज लेस देन डिग्री ऑफ फोर विच इज जीरो। सो सिंस द डिग्री इज लेस, तो अब डिविजन स्टॉप हो जाएगा। अब इसको हम वेरीफाई कर लेंगे बाय फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए एलएचएस ले लेते हैं, तो एलएचएस लेने के बाद हम पहले डिविडेंड लिख देंगे। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये मेरा स्टेटमेंट वन हो गया। आरएचएस लिख लेते हैं, तो आरएचएस है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है, क्वेश्चन में दिया है डिवाइजर, ये आपका डिवाइजर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू मैं लिख लेता हूं उसको, इनटू कोशेंट। कोशेंट हमें कितना मिला है, कोशेंट मिला है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये कोशेंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू लिख लिया, इनटू कोशेंट हो गया प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया है फोर। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे कोशेंट और रिमाइंडर लिख लेना चाहिए था, कोशेंट है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू और रिमाइंडर है फोर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है या नहीं, तो अगर हमने डिवीजन करेक्ट किया तो ऑब्वियसली आएगा। सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, रिमाइंडर हमें कितना आया है, रिमाइंडर आया है फोर। सो माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बन सकता है, पर चलिए इसको ब्रैकेट ओपनिंग ही कर लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस टू जाएगा, प्लस टू जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फोर आ जाएगा। अभी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू टू क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस टू अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और टू इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू टू जा फोर, और ये प्लस फोर एज इट इज लिख देंगे हम। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू फोर हो जाएगा। सो एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसमें हमें पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमें 4 दिया हुआ है, तो अगला हमें एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर देना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, तो उसको हम पहले लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर नहीं है, तो उसको मैं जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर लिख लूंगा माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। इस जीरो एक्स क्यूब और जीरो एक्स स्क्वायर को लिखने का रीजन ये था क्योंकि जब मैं जी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स से डिवाइड करूंगा तब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाले टर्म आना पॉसिबल है। चलिए डिवीजन करते हैं, हमको पी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स पता करना है, तो ऑब्वियसली जी पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स है डिविडेंड और जी ऑफ एक्स है डिवाइजर। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, और ये हो जाएगा एक्स रेस टू फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये सबसे पहले एक्स रेस टू फोर को डिवाइड करेगा, जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको। सो
प्लस है न्यूमरेटर में और यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू फोर पर डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा कोशेंट है, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो ये माइनस एक्स स्क्वायर है ये इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टू माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख दिया है, वैसा रिवर्स हम कर सकते हैं, ए प्लस बी लिखूं या बी प्लस ए लिखूं एक ही बात है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स रेस टू फोर। इसके बाद माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस और एक्स स्क्वायर इंटू टू क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, सो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस और एक्स स्क्वायर इंटू टू हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर के नीचे लिखूंगा प्लस जीरो। अब सब्ट्रैक्शन होगा, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब साइन चेंज हो जाएगी, मुझे एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं मिला तो मैंने उसके नीचे जीरो लिख दिया, चलिए सब साइन चेंज कर देते हैं, तो प्लस एक्स रेस टू फोर हो जाएगा माइनस, जीरो की साइन मत चेंज करिए क्योंकि प्लस जीरो माइनस जीरो सेम ही होता है, मतलब जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब प्लस एक्स रेस टू फोर माइनस एक्स रेस टू फोर कैंसिल, जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है तो उसे मत लिखिए, प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो प्लस करना है तो जीरो प्लस टू टू हो जाएगा और वेरिएबल एज इट इज कॉपी कर लेंगे, इसके बाद माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे जो डिग्री है, इधर जो डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वो टू है और यहाँ पे जो डिग्री है यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वो भी टू है, तो अभी डिग्री सेम है, तो जब तक डिग्री सेम है तो फिर भी डिविजन किया जा सकता है, जब डिवाइजर की डिग्री लेस हो जाएगी डिविडेंड से, ये डिवाइजर है इसकी डिग्री जब इस डिविडेंड से लेस हो जाएगी तब डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, तो अभी फिलहाल तो इक्वल है ना, तो डिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब टू एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेगा, सो एक्स स्क्वायर कट जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा, सो विल गेट माइनस टू, तो उस माइनस टू को लिख देते हैं, ये हमारा कोशेंट है, सो माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगर प्लस हो जाएगा तो आप साइन मत लिखिए, सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और टू इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस और टू इंटू टू हो जाएगा फोर और यहाँ पे प्लस जीरो लिख दीजिए, अब साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, जीरो विल रिमेन एज इट इज, प्लस फोर हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा प्लस फोर, तो हमें अब ये कैंसिल हो जाएगा और इसके कैंसिल होने के बाद मुझे मिलेगा माइनस प्लस माइनस, फाइव एक्स प्लस जीरो हो जाएगा फाइव एक्स और प्लस सिक्स प्लस फोर हो जाएगा प्लस टेन। अब यहाँ पे जो डिग्री है वो टू है और यहाँ पे जो डिग्री है वो है वन, मतलब एक्स का जो पावर है, तो ऑब्वियसली डिवाइजर की डिग्री, डिग्री ऑफ डिवाइजर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज टू विच इज लेस देन डिग्री ऑफ डिविडेंड विच इज माइनस फाइव एक्स प्लस टेन जिसकी डिग्री वन है, तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिवाइजर लेस है डिग्री ऑफ डिविडेंड से, तो डिविजन स्टॉप हो जाएगा, मतलब अब जो मुझे क्वेश्चन मिला है वो मैं लिख देता हूँ, तो क्वेश्चन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू और जो रिमाइंडर है वो है माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। अब इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे नाउ कि हमारा डिवीजन करेक्ट है या नहीं, सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यू राइट एलएचएस फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एलएचएस यू हैव डिविडेंड, सो डिविडेंड इज गिवन इन योर क्वेश्चन एज एक्स रेस टू फोर, जो पी ऑफ एक्स था दैट इज योर डिविडेंड, सो एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, लेट दिस बी पॉइंट नंबर वन, आरएचएस डिवाइजर into quotient plus remainder. So what is your divisor? Divisor is given as minus x square plus 2. Quotient we got minus x square minus 2 and remainder we got minus 5x plus 10. Now this minus x square will go and get multiplied with this bracket and then plus 2 will go and get multiplied with this bracket. So we'll have minus x square into minus x square minus 2 and then plus 2 will go and get multiplied.
and this is plus, so it will remain as it is, minus 5x plus 10. Now minus x square will multiply inside this bracket, so we'll have minus into minus plus x square into x square is x raised to 4. Minus into minus is plus, x square into x square is x raised to 4, and then minus into minus is plus, x square into 2 is 2x square. Again, this plus 2 will get multiplied inside this bracket. So, plus into minus is minus, and 2 into x square is 2x square. Plus into minus is minus, and 2 2s are 4. Now, this plus will multiply inside this bracket. So, plus into minus, minus, plus into plus is plus. Now, let us check what terms are getting cancelled. So, x raised to 4 will remain as it is. Plus 2x square and minus 2x square will get cancelled. Will have minus 5x minus 4 plus 10 ho jayega plus 6. Ye mera point number 2 ho gaya. To agar aap LHS aur RHS ko observe kare to dono same hai. So LHS is equal to RHS. So, is tarah se hamara division bhi correct hai aur humne verify kar liya. So I hope students aapko ye first question exercise 2.3 ka samajh mein aaya hoga.